हेलो एवरीवन, आज है 6 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीएआईएल गेल इंडिया और ओएनजीसी के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। दोनों ही कंपनियां मिलती जुलती है, ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं और अगर हम देखें तो दोनों ही कंपनियों के शेयर में एक दबाव हमें देखने को मिल रहा है अभी के सिनारियों में, और काफी सस्ते प्राइस पर ये शेयर अभी अवेलेबल भी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि गेल इंडिया 95 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी हल्की सी तेजी इसमें जरूर देखने को मिली है। पिछले एक महीने में 7.5% की भयंकर गिरावट भी ये शेयर देख चुका है। 105 रुपए के लेवल से टूटकर 93 रुपीज तक भी इसने लो बनाया है। पिछले एक साल की हम बात करें तो 22% की गिरावट, 140 रुपए तक का हाई था और 69 रुपीज तक का लो था। उसके बाद एक बढ़िया रैली हम यहाँ पर देख चुके हैं, 100 रुपए से भी ऊपर ये शेयर निकल गया, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसके ऊपर दबाव बनता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो अगर देखें तो 3 साल में 32% की गिरावट है। 200 रुपए के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया है और धीरे धीरे उम्मीद की किरण है कि यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश जरूर करेगा। लार्ज कैप स्टॉक है ये, 42,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखिए तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर यहाँ पर खरीदारी करे, प्रमोटर का मतलब है सरकार। दोनों ही कंपनियां सरकारी कंपनी है, चाहे गेल इंडिया की बात करें या फिर ओएनजीसी की बात करें, दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं। 52.10% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, एफआईएस के पास 15.61% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 11.26% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.71% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। मतलब प्रमोटर के अलावा बड़े बड़े फंड हाउसेस ने भी एक बहुत बड़ी अपनी होल्डिंग यहाँ पर लगाई हुई है। प्रमोटर की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, 51.76% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 32 म्यूचुअल फंड के लिए पैसा लगाया है, 586 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है, और हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर आपको एलआईसी देखने को मिल रहा है, 5.80% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग भी इनके पास है। देखिए डिविडेंड भी पे कर रहा है, 64% का डिविडेंड, मतलब बहुत बड़ा डिविडेंड पे किया है इसने, 6.5 रुपए का, 6.40 रुपए का पर शेयर इन्होंने डिविडेंड फरवरी महीने में पे किया हुआ है। गेल इंडिया की मैं बात करूंगा तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए जिस सेक्टर से ये कंपनियां बिलोंग करती है उसके ऊपर आने वाले कुछ महीनों के लिए प्रेशर जरूर रहेगा। देखिए सिचुएशन उतनी ज्यादा क्लियर नहीं हो पाई है, अभी भी प्रेशर जरूर इसके ऊपर रहेगा। इंडियन ऑयल के जो चेयरमैन है उन्होंने खुद कहा था कि अभी भी जो गैस की और जो ऑयल की जो डिमांड है उसको वापस आने में कम से कम 6 या 7 महीने का टाइम लग जाएगा। तो देखिए अभी थोड़ा सा प्रेशर में शेयर जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया भी ये शेयर साबित हो सकता है। पीई 6.53 का है और इंडस्ट्री पीई 6.61 है, बुक वैल्यू 96 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.98 है, ईपीएस 14.58 है, डिलीवरीज तकरीबन 47.18% के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 2% लोग होल्ड करने की बात है, मतलब टोटल 95% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बैंक करना चाहते हो कर सकते हो, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ इसमें तो मार्च क्वार्टर में एक अच्छा खासा मुनाफा कंपनी ने जरूर कमाया है, 4,150 करोड़ का प्रॉफिट है जो काफी बड़ा है, क्योंकि इससे पहले पिछले 4 क्वार्टर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कंपनी का 1,000 करोड़ से लेकर 1,300 करोड़ तक का मुनाफा था, तो उसके कंपेयर में 4,150 करोड़ का प्रॉफिट वाकई में काफी शानदार इन्होंने जो रिजल्ट्स थे वो दिखाए थे। उसके अलावा देखिए तो जून क्वार्टर के नतीजे भी आने वाले हैं, 13 अगस्त को ये नतीजे हैं, तो वाकई में काफी बड़ा दिन होगा उस दिन गेल इंडिया के लिए कि कैसे नतीजे इनके देखने को मिलते हैं। और प्रमोटर, जैसे कि मैंने कहा कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत जरूर है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि शेयर दौड़ना शुरू कर देगा, वक्त लगेगा, आने वाले 3-4 महीने इसके ऊपर जरूर प्रेशर क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर आपका नजरिया आने वाले 1-1.5 साल का है तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है, जरूर आपको अच्छा रिटर्न कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन आने वाले 2-3 महीने तक इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, शेयर में गिरावट भी आएगी, तेजी भी आएगी, गिरावट भी आएगी, तेजी भी आएगी। तो लंबी अवधि का नजरिया है, कम से कम 1 साल का नजरिया है, तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, और अगर गिरावट आती है तो थोड़ी थोड़ी और क्वांटिटी आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो जरूर करो, लेकिन एसआईपी मोड में ही खरीदारी करो। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 20 ही शेयर खरीदे,
गिरावट थोड़ी आ सकती है, तो उसमें आप थोड़ी और क्वांटिटी भी ऐड कर सके, ये सोच के खरीदारी करें कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करके ही चलना है। तो दूसरा शेयर है ONGC, 78 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है ये शेयर। आज 1.5% की तेजी, अच्छी तेजी देखने को मिली है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी यहाँ पर लौटती हुई देखने को मिली, क्योंकि पिछले एक महीने में 7% की गिरावट थी और शेयर सिर्फ टूट ही रहा था। अब देखिए 83 रुपीज के ऊपर था, गिरावट आई, 76 पर पहुंचा, वापस तेजी आई, 82 पर पहुंचा, वापस गिरावट आई, शेयर 76 रुपीज तक पहुंचा, वापस तेजी की यहाँ पर शुरुआत होते हुए देखने को मिल रही है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में ONGC में 40% की गिरावट है, 150 रुपए से शेयर कंटिन्यूस टूटा है, 60 रुपए तक का इसने लो बनाया, बाद में फिर से तेजी आई, अब फिर से गिरावट की तरफ शेयर आगे भी बढ़ा है, 90 रुपए का हाई बनाया था, एक 60 रुपए का लो था, बाद में 90 रुपए का हाई बनाया था, बाद में फिर से यहाँ पर गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है। लार्ज कैप स्टॉक है ये, 1 लाख करोड़ के आसपास है इसका इसका मार्केट कैप, एनएसई में देखेंगे तो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है, और तो अगर हम देखें तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन FIIs और इंश्योरेंस कंपनी खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं, प्रमोटर के पास 60.41% की होल्डिंग है, FIIs के पास 8.10% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.06% की होल्डिंग, इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.49% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने कहा कि सरकारी कंपनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, 60.41% की होल्डिंग उनके पास देखने को मिल रही है, एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है, 31 म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा लगाया है, 602 जितने FIIs यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो LIC है, जिनके पास 9.84% की होल्डिंग है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 2.76% देखने को मिली है। ये शेयर भी बढ़िया डिविडेंड पे करे, 100% का डिविडेंड पे, मतलब 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया है। देखिए डिविडेंड से मालामाल करने वाले दोनों शेयर है, अच्छा खासा डिविडेंड इस साल भी इन्होंने पे किया है। ONGC के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल इसकी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, रीजन यही है कि आने वाले कुछ महीने इन कंपनियों के ऊपर काफी अच्छे नहीं रहने वाले हैं, एक प्रेशर क्रिएट अब जरूर हो चुका है और वो और ज्यादा क्रिएट होगा आने वाले दिनों में, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। PE 7.43 है, इंडस्ट्री PE 6.61 है, बुक वैल्यू 154 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.50 के आसपास है, EPS 10 के आसपास देखने को मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग होल्ड करने की बात की, मतलब 89% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है कि डरने की जरूरत नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, रिकवर जरूर कर जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो जरूर मार्च क्वार्टर में एक बड़ा नुकसान इनको हुआ था, 6,875 करोड़ का लॉस था, और यहीं से शुरुआत हुई थी गिरावट की, जब इतने खराब नतीजे आए थे तो थोड़ी सी गिरावट बनती भी है, क्योंकि आप देखिए इससे पहले कंपनी 5,000 करोड़ से 6,000 करोड़ तक का प्रॉफिट कर चुका है, तो जब गिरावट का दौर आया तो जरूर प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हुआ और बाद में धीरे धीरे ये और ज्यादा बढ़ता चला गया। शेयर होल्डिंग में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को गिरा रहे हैं, प्रमोटर मतलब सरकार, यहाँ पर 64% की होल्डिंग 60% तक पहुंच चुकी है, हालांकि FIIs अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, 6.47% की होल्डिंग 8.10% तक पहुंच चुकी है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 9.85% की होल्डिंग 10.49% तक पहुंच चुकी है, म्यूचुअल फंड ने भी इवेंचुअली अपनी होल्डिंग को बढ़ाया ही है, 5% की होल्डिंग 6.06% है, मतलब बड़े बड़े फंड हाउसेस ने खरीदारी की है, चाहे FIIs हो, इंश्योरेंस कंपनी हो या फिर म्यूचुअल फंड हो। देखिए ONGC में भी मेरी सेम कमेंट्री है जो मेरी गेल इंडिया में है, कि 2-3 महीने तक प्रेशर इसके ऊपर जरूर क्रिएट होगा, इस बीच थोड़ी सी गिरावट भी आएगी, तेजी भी आएगी, गिरावट भी आएगी, तेजी भी आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर में इतना दमखम है कि आराम से 100 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है और आपका नजरिया कम से कम 1 से 1.5 साल का है तो दोनों ही शेयर में आप बने रह सकते हो, और अगर यहाँ से गिरावट आती भी है तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, एक साथ एक ही प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, एक फिक्स प्राइस पर ही खरीदारी करो। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं तो मान लीजिए कि 78 रुपीज पर आप 20 शेयर खरीद रहे हो, फिर आप वेट करोगे, अगर शेयर 5 रुपए और गिरता है तो आप और 20-25 क्वांटिटी ऐड करोगे, फिर वेट करोगे, शेयर 2-3 रुपए वहां से और गिरता है तो और 20-25 क्वांटिटी आप ऐड करोगे, उस तरीके का आप यहाँ पर स्ट्रेटेजी को प्ले करो, स्ट्रेटेजी आप प्ले करोगे और कम से कम 1-1.5 साल का आपका यहाँ पर नजरिया होना चाहिए तो ही ये शेयर आपको फायदा देगा। शॉर्ट टर्म में इसमें कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है, शॉर्ट टर्म में शेयर आपको इसी तरीके से ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा कि आज 2% अप है, कल 2% डाउन होगा, फिर वापस 3-4% अप रहेगा, फिर वापस 3-4% डाउन रहेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर शेयर आपको अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड करेगा। ONGC का मेरा लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है वो 100 रुपए के आसपास है, और गेल इंडिया का मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट 120 से 125 रुपए के आसपास है, लेकिन हाँ ये जो टारगेट है वो मैं कम से कम 1-1.5 साल के लिए दे रहा हूँ, यहाँ पर मिनिमम टारगेट है, उससे ऊपर भी ये शेयर जा सकता है।
तो यही कहूंगा कि लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रह सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो शायद ये शेयर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के लिए साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और गेल इंडिया और ONGC दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।